साथ दीप अबाफिला बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबर के साथ। कानपुर देहात में कोबरा और इंसान के बीच जंग का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक इंसान कोबरा से जंग करने के बाद उसे पकड़कर गले में डालकर खेलता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि कोबरा ने इस शख्स को कई बार काटा लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ और इसने सांप को पस्त कर दिया और इसके साथ ही उसको अपने कब्जे में भी ले लिया। इसके बाद उस कोबरा के साथ ये शख्स खेलने लगा। तस्वीर आप देखिए, दोनों के बीच लगभग आधे घंटे तक ये जंग चली लेकिन कोई असर नहीं हुआ। सांप इंसान में जंग चली है, तस्वीरें आप देखिए, कानपुर देहात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले लड़ाई हुई, जंग छिड़ी, उसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। ये खबर, ये तस्वीरें हम कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। अपने गले में डालकर किस तरीके से कोबरा के साथ ये शख्स खेल रहा है, तस्वीरें बयां कर रही हैं। खबर ये भी है कि कई बार कोबरा ने इस शख्स को काटा लेकिन असर नहीं हुआ। जब कोई असर नहीं हुआ तो उसके बाद इसने कोबरा के साथ खेलना शुरू कर दिया। निशान भी वो शख्स दिखा रहा है जो हम आपको दिखा रहे हैं, अपने गले में डालकर किस तरीके से कोबरा के साथ खेल रहा है वो आप देखिए। अब यो ना छोड़ देना मामा, अपने आप निकल जाएगा। नहीं पिया वालों को घुसो तू, हमने पकड़ खाचो हुआ खाओ हुआ, हमने मार बिल्कुल, हम बच गए। कितनी देर तक लड़ते रहे आप? हमने आधा घंटा। आपको इतना साहस कहाँ से आया, कैसे सांप से आप लड़े? हम लड़े पर भगवान से, ठीक है, ताकत भगवान दे रो हमारे। हाँ, ये तस्वीरें आप देखिए, बार बार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कोबरा से दोस्ती कर ली इस शख्स ने, वो आप देखिए। इस खबर पर और जानकारी के लिए संवाददाता दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ वहां पर हुआ, कितने घंटे तक ये जंग छिड़ी और क्यों असर नहीं हुआ इस शख्स पर, ये बड़ा सवाल। बताना चाहूंगा कि रसूलाबाद के दोहिया नगर मोहल्ले की घटना है, जहाँ हरी सिंह कुशवाहा अपने नशे में धुत था और ये अपने खेतों पर गया था। जहाँ खेतों में धान की फसल कट के तैयार हुई थी, उसमें ये सांप घुसते इसने देखा तो इसने अपने नशे की हालत में सांप को पकड़ के खींच लिया और खींचने के दौरान सांप ने तो एक नहीं कम से कम दर्जनों जगह काटा और उसके बाद जो है ये सांप से घंटों खेलता रहा और नशे की हालत में ये नहीं समझ पाया कि सांप ने इसको कहाँ कहाँ काटा है और ये पूरा ड्रामा इसका करीबन दो घंटे तक चलता रहा। उसके बाद जो है कई ग्रामीणों ने आकर इसको दूर भगाया और सांप को छुड़वाया लेकिन इसको असर नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि कई बार दर्जनों जगह सांप के काटने के बाद भी इस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ा। दीपक, ये सवाल बेहद अहम है और चौंकाने वाली बात यह है कि कोबरा ने एक नहीं बल्कि कई बार उस पर हमला किया, कई बार काटा लेकिन उसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टर के पास गए हैं ये शख्स या फिर उनसे बात की है, क्यों ये सब हुआ और कैसे असर नहीं हुआ, इसको लेकर कोई तस्वीर साफ हो पाई है क्या? जी फिलहाल अभी तो नशे में था तो नशे में की हालत में उससे बात करना मुनासिब नहीं समझा किसी ने। फिलहाल उसको करीबन सांप को अलग करने के पश्चात जो है लगभग दो घंटे तक उसको कोई असर नहीं हुआ। फिलहाल उसके परिजन अभी डॉक्टरों के पास कानपुर हेलन ले गए हैं, अभी कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है। फिलहाल अभी व्यक्ति जो है हॉस्पिटल में स्वस्थ बताया जा रहा है। जी शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारियों के लिए। अब दूसरी खबर।